मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर को लगभग 5 बार लूटा था और साथ में सिकंदर लोधी जी ने भी इस मंदिर को लूटा था और भारी नुकसान पहुंचाया था। यह देख दोस्तों, आज हमारी यात्रा का है 3रा दिन और आज हम आ पहुंचे हैं माँ बजेश्वरी कांगड़ा माता के धाम पर। और जहाँ पर हम अभी खड़े हैं ये है कांगड़ा माता मुख्य मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता। तो कराएंगे हम आपको भी माँ कांगड़ा देवी के दर्शन, तो जुड़ रहिएगा हमारे साथ। जय माता दी। इस रास्ते से सीधा चलते हुए आप पहुंच जाओगे माँ कांगड़ा देवी धाम पर। और दोस्तों, हम चलते चलते आपको बताएंगे माँ कांगड़ा देवी की पौराणिक कथा और देंगे कुछ जानकारी। वो यहाँ पर आए और इन दुकानों से प्रसाद वगैरह खरीदे और माँ के भेंट करे। दोस्तों, माँ कांगड़ा देवी का यह धाम भी 52 शक्तिपीठों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ भी माँ सती का दायां वक्ष गिरा था, जिसकी वजह से यहाँ पर शक्तिपीठ बना था। और इस मंदिर की भी खोज पांडवों द्वारा की गई थी महाभारत काल में। शक्तिपीठ उससे भी पहले का था, लेकिन महाभारत काल में पांडवों ने इस मंदिर को खोज कर यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया था। दोस्तों, यहाँ पर यह जूता घर बनाया हुआ है, आप यहाँ पर अपने जूते चप्पल वगैरह उतार सकते हो। देखिए, यहाँ पर कुछ श्रद्धालु अपने जूते वगैरह उतार रहे हैं। और उसके बाद आप अपने हाथ धोकर या प्रसाद वगैरह लेना चाहते हो तो यहाँ से लेकर माता के दर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हो। कितनी सुंदर सुंदर यह दुकानें जो यहाँ पर दुकानदारों ने सजाई हुई है। हाँ जी, ना या भाई। तो वो जो सामने आप देख रहे हैं वही है माँ बजेश्वरी कांगड़ा का मुख्य है दरवाजा, और यहीं से होते हुए भक्त मंदिर में प्रवेश करते हैं। और यह है मंदिर का मुख्य है टेंपल जो अंदर की ओर बना हुआ है। यहीं से होते हुए हम भी मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो एक बार सभी प्रेम से बोलिए जय माता दी। नगर कोट श्री बजेश्वरी देवी माता मंदिर न्यास, और इसे कांगड़ा माता के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। जय माता दी। देखिए दोस्तों, मंदिर में कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं माँ के दर्शन करने के लिए। जय माता की।
दोस्तों मंदिर का प्रांगण बहुत ही सुंदर है। यहाँ की दीवारों पर माँ की मूर्तियाँ बनाई हुई है। देखिए दोस्तों कितना सुंदर यह भव्य नजारा माँ कांगड़ा देवी मंदिर में। श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, माँ के दर्शन करने मंदिर के अंदर जा रहे हैं। यह देखिए यहाँ पर नौ देवियाँ बनाई हुई है यह मंदिर के दीवारों पर। हम आपको मंदिर के मुख्य दर्शन भी कराएंगे अगर यह संभव हो सका तो, लेकिन हम आपको यह बृजेश्वरी धाम दिखा रहे हैं। यह मंदिर का प्रांगण है जो अभी आप वीडियो में देख रहे हो, वो सामने ही लंगर हाल बना हुआ है। यहाँ पर माता के लंगर वगैरह चलते रहते हैं। अभी सुबह सुबह का यह टाइम है और टाइम 9:15 के करीब है, इसलिए वीडियो थोड़ी धुंधली दिखाई दे सकती है। तो माता बज्रेश्वरी का यह धाम जिसे आप कांगड़ा देवी के नाम से भी जानते हो, यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगरकोट में स्थित है। इसे कांगड़ा शहर भी कहा जाता है। नगरकोट इसकी भी अपनी एक कहानी है कि क्यों यहाँ नगरकोट में माँ का यह मंदिर बना, तो वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। तो यह तो हम अपनी वीडियो में पहले ही जो हमने आपको पिछले चार देवियों को दर्शन कराए हैं उनमें बता चुके हैं कि जब राजा दक्ष के अग्निकुंड में माँ सती कूद गई थी उस समय वह मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, और जब भगवान शिव को यह बात पता चली थी तो वह अपने रुद्र रूप में आ गए थे। उस समय वह माता सती के मृत शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे थे। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती को 52 भागों में विभाजित कर दिया था, और जहाँ जहाँ पर उनके वो भाग गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ बन चुके हैं। तो यहाँ पर भी माँ का दायां वक्ष गिरा, इसलिए यहाँ पर माँ सती का यह शक्तिपीठ बना हुआ है। और माँ पार्वती ने जब पांडवों के सपने में आकर उनको बताया कि ये वो यहाँ पर आकर इस मंदिर का निर्माण करें यानी नगरकोट में, तब पांडवों ने रातों रात नगरकोट में माँ के मंदिर का निर्माण किया, क्योंकि माँ पार्वती ने कहा था कि अगर तुम मंदिर का निर्माण नहीं करोगे तो तुम सब नष्ट हो जाओगे, इसलिए पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया। और तब से यहाँ पर माँ को कांगड़ा देवी बृजेश्वरी नाम से पूजा जाने लगा है। इस मंदिर में इस्लामिक हमले भी बहुत हुए, वो भी हम आपको बताएंगे। तो माता के इस प्रसिद्ध मंदिर में बहुत ही इस्लामिक हमले भी हुए हैं। सन 1009 में मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर को लूटा था, और यहाँ से जो भी सोना चांदिया कीमती आभूषण थे वो चुरा कर ले गया था, लेकिन फिर भी भक्तों ने यहाँ पर दोबारा मंदिर का निर्माण किया, और इस मंदिर को गजनवी ने पूरी तरह नहस कर दिया था। पूरी तरह से मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर को लगभग 5 बार लूटा था, और साथ में सिकंदर लोधी जी ने भी इस मंदिर को लूटा था और भारी नुकसान पहुंचाया था। यह देखिए यहाँ पर श्रद्धालु अपने चित्र खिंचवा रहे हैं मंदिर के मुख्य प्रांगण में। दूर दूर से यह श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों मंदिर एक किले की भांति बनाया हुआ है, यहाँ की दीवारें भी किले की भांति ही हैं। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की बहुत लंबी भीड़ यहाँ पर जमा हो गई है, और माँ के दर्शन करने के लिए
जा रहे हैं। दोस्तों को हम आपसे यह भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप मंदिर को साफ सुथरा रखें, मंदिर के परिसर को साफ सुथरा बनाने में सरकार की मदद करें। आप जब भी यहाँ पर आए तो कोई गंदगी ना फैलाएं, हमारी यह भी आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों यह जो हम आपको दिखा रहे हैं यह यहाँ का मुख्य मंदिर है और इसी के अंदर माँ की पूजा की जाती है। दोस्तों मंदिर के प्रांगण में आप यह वर्षों पुराना वट वृक्ष देख सकते हो और यहाँ पर लोग इतनी श्रद्धा है लोगों के मन में कि यहाँ पर वट वृक्ष पर वो अपनी मन्नतों के धागे बांधते और माँ बृहदेश्वरी जी से प्रार्थना करते हैं कि वो उनके कष्टों का निवारण करे और सुख संपत्ति उनके जीवन में बनाए रखे। चलिए दोस्तों अभी हम आपको घुमाते हैं मंदिर के अंदर, दिखाते हैं मंदिर के कुछ प्रमुख हिस्से। ये सामने ही आप संतोषी माँ की प्रतिमा देख सकते हो जो मंदिर में बनी हुई है। जय संतोषी माँ। और श्रद्धालु यहाँ भी आए हुए हैं माँ के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर भी एक पीपल का वृक्ष है जो ये भी प्राचीन काल से बहुत समय से यहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी मंदिर में नवरात्र विशेष के लिए तैयारियाँ चली हुई है और ये देखिए आप मंदिरों की दीवारों पे यहाँ पर भगवान विष्णु जी और श्री शक्ति देवी जी का चित्र बना हुआ है। ऐसे ही दीवारों के हर एक कोने में भगवानों के चित्र बने हुए हैं इस मंदिर की दीवारों पर। दोस्तों नवरात्रि नज़दीक है इसलिए मंदिर में कार्य चला हुआ है। मंदिर को नए सजावट के रूप में बदलते दिखाई दे रहे हैं यहाँ के कार्यकर्ता। हम मंदिर की कमेटी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने मंदिर को इतने अच्छी तरह से सजाया हुआ है और साफ सुथरा माहौल बनाया हुआ है। देख सकते हो आप श्रद्धालु लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम भी मंदिर में दर्शन करने के लिए और बनते हैं भीड़ का हिस्सा और हम भी माँ के दर्शन करने के लिए अभी कतारों में खड़े होते हैं। आप श्रद्धालुओं की यह लाइनें देख सकते हो जो माँ के दर्शन करने के लिए मंदिर में लगे हुए हैं। वो सामने ही माँ का मुख्य धाम है। हम भी माँ के दर्शन करने के लिए लाइनों में लगने जा रहे हैं। अगर संभव हो सका तो हम आपको भी माँ के अंदर के दर्शन कराएंगे, अगर नहीं हुआ तो उसके लिए हम आपसे क्षमा याचना मांगना चाहेंगे। यह देखिए मंदिर में माँ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ और लाइनें। तो हम भी लग चुके हैं लाइनों में माँ के दर्शन करने के लिए, कराएंगे आपको भी माँ के दर्शन अगर यह संभव हो सका। कमेंट में जरूर लिखिएगा जय माता दी। माँ के मुख्य द्वार के सामने दो शेरों की प्रतिमा बनाई हुई है। लोग यहाँ पर अपना दिया अगरबत्ती धूप वगैरह लगाते हैं और यहाँ से सीधा ये है माँ का मुख्य द्वार। दोस्तों अभी लाइनों से होते हुए हम आप पहुँचे हैं माँ के मुख्य द्वार के सामने। यहीं से सीधा चलते हुए हम करेंगे माँ के दर्शन।
जा रहे हैं। माँ के जयकारों से पूरा मंदिर गूंज उठा है। भक्त यहाँ पर जोर जोर से माँ के जयकारे लगा रहे हैं। दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय, जय जयकार। दोस्तों, यह मंदिर के मुख्य द्वार के सामने पांच शेरों का चित्र बनाए हुए हैं, जो बहुत ही खूबसूरत है देखने में। ऐसा लगता है कि माँ ने यहाँ असली शेर यहाँ पर माँ की रक्षा कर रहे हैं। और माँ की यह सवारी या तो आप सब जानते ही हो। माँ का छत्र चांदी का बना हुआ है। दोस्तों, अभी हमने आपको माँ के दर्शन कराए। यहाँ पर कैमरा अलाउड तो नहीं था, फिर भी थोड़ी वीडियो यहाँ पर बनाने दी गई। और यह माँ का भवन का वह दरवाज़ा है जहाँ से लोग माँ के दर्शन करके बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही यहाँ पर बनाया हुआ है यह यहाँ पर माँ के चरणों से जल निकलता है। लोग यहाँ पर माँ के चरणों में लेते हैं। यहाँ पर ये चरणामृत है। यहाँ पर भक्त ले रहे हैं। जय माता। दोस्तों, माँ के भवन के बिल्कुल सामने ही बनाया हुआ है श्री लाल भैरव जी का यह मंदिर। हमें उम्मीद है कि माँ के दर्शन करके आपको भी अति प्रसन्नता महसूस हुई होगी। तो अभी हमने आपको जहाँ के दर्शन कराए हैं, माँ कांगड़ा माता के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध है और नौ देवियों में इस माता का तीसरा स्थान है। और दोस्तों, पीछे हम आपको चार देवियों के दर्शन करा चुके हैं। हिमाचल की चार देवियों के दर्शन करा चुके हैं और यह पांचवां दर्शन था जो हमने अभी आपको कराया। तो वीडियो के अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके कोई हमसे सवाल जवाब हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हम अब यहाँ से आगे माँ चामुंडा देवी के दर्शन के लिए निकलेंगे और कराएंगे आपको भी माँ चामुंडा देवी के दर्शन। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना भी ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तब तक जय माता दी।